क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब पता है ना क्या होता है? दो तरह का एस्टिमेशन होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब ये पता करना कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्वांटिटेटिव मतलब आपको पता तो चल गया कौन से हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कितनी है वो पता करना। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और कार्बन की क्वांटिटी पता करना चाहते हैं हम, तो कैसे करते हैं ये, उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर लो, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बनेंगे। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना? CuO की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ हीट करके। मतलब किया क्या आपने, कार्बन और हाइड्रोजन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में था उसको कन्वर्ट किस में कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर क्या करते हैं, ये जो गैसेज हैं इनको दो यू ट्यूब में से पास करते हैं, यू शेप ट्यूब्स में से। पहले पास करते हैं एनहाइड्रस CaCl2 में से। इस ट्यूब में क्या होता है, CaCl2 होता है, एनहाइड्रस CaCl2 होता है। इसका मैं सेटअप ही ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसा इस तरह का सेटअप होता है। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड रख लिया आपने, उसको नीचे से हीट कर रहे हो आप, ठीक है ना? और यहाँ से आप O2 पास करते हो, प्योर O2, ये हीट किया। यहाँ पे आप CuO रख देते हो, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना? क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको फिर आगे ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, CxHy होगा। तो CxHy ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और बन जाएगा CO2 और वाटर, ही बन जाएगा। अब यहां से जो गैसेज आएंगी वो CO2 और वाटर होगा, ठीक है ना? अब इनको क्या पास करो, दो ट्यूब में से पास कर दो ऐसे, एक फर्स्ट ट्यूब एक सेकंड ट्यूब। फर्स्ट ट्यूब में होता है एनहाइड्रस CaCl2, और सेकेंड ट्यूब में होता है KOH का सोल्यूशन, KOH का सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आता है। पहले तो एनहाइड्रस CaCl2 किसको अब्जॉर्ब करता है, वाटर को, वाटर को ये अब्जॉर्ब कर लेगा एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है? CO2 यहां से पास हो जाएगी और वो KOH में चली जाएगी। KOH को कौन, KOH किसको अब्जॉर्ब करेगा, CO2 को। तो जितना वेट इंक्रीज होगा CaCl2 का, समझ आना, उतना पानी का वेट, इस उतने पानी का वेट था, समझ में आई बात? और जितना वेट KOH का इंक्रीज होगा उतना वेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का था। तो जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पता चल गया और वाटर का वेट पता चल गया, तो आप हाइड्रोजन और कार्बन का वेट निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके। इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की एस्टिमेशन की जाती है, ठीक है? प्रोसेस प्रोसेस समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाई इज अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया गया, ठीक है ना? हमने किया ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज, यहाँ पे सेकेंड ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था जिसने CO2 को अब्जॉर्ब किया था, वो क्यों किया? इसका आंसर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है ना? और एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम कार्बोनेट और वाटर बना देता है, मतलब पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो दस मास ऑफ यू ट्यूब कंटेनिंग KOH इंक्रीजेस, ठीक है ना? तो जिसमें KOH उसका मास बढ़ जाएगा, और जितना मास बढ़ा वो किसका मास होगा, CO2 का मास होगा। फ्रॉम दिस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटेड। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता चल गया कितना था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मास पता चल जाएगा, कैसे, CO2। इसका मास कितना है, एक मोल का मास कितना है, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 12 ग्राम, समझ में आई बात? तो वैसे निकाल सकते हो, क्लियर?
रेशो पता है आपको, मान लीजिए वेट बढ़ गया डब्ल्यू ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन है 12 ग्राम। मान लीजिए आपका KOH का वेट बढ़ा डब्ल्यू ग्राम, तो मतलब CO2 का वेट डब्ल्यू ग्राम था, तो डब्ल्यू ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा, 12/44 × W, इतने ग्राम कार्बन। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन था, समझ में आ गई बात। W क्या है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहाँ से आएगा, जितना वेट KOH का बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका वेट कितना था, इतना ग्राम, इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इतने ग्राम वाटर बनता है। डिटरमाइन परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन की क्या परसेंटेज थी, ये पूछा गया। ठीक है बात, कैसे करेंगे देखो। पहले तो अब आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दे रखा है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेंगे, गिवन मास में मोलर मास ना, गिवन मास कितना है 0.198 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम, तो इतने मोल आ गए, इतने मोल किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक, देखो CO2 एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन का भी तो एक ही मोल है ना, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ गई, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल है उतने ही तो कार्बन के मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, तो इतने ही आएंगे, ठीक है ना। तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल कितना है, इतने मोलर मास कार्बन का 12, तो इतने ग्राम, इतने ग्राम कार्बन है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, कार्बन ना का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, सो 0.052 ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इतना था गिवन था क्वेश्चन में, तो इतने परसेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया। फिर अब हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना, तो देखो पहले हम पानी के मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतना मास वाटर का आया, मोलर मास वाटर का 18 ग्राम होता, तो इतने मोल आ गए वाटर के। अब देखो H2O, अगर वाटर का एक मोल है तो हाइड्रोजन के उसमें कितने मोल है, दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सो 2 × दिस इतने मोल आ गए, ठीक है, वाटर के हाइड्रोजन कितने मोल है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, एच, नंबर ऑफ मोल एच के इतने, एच का मोलर मास कितना होता है 1, इतने ग्राम, है ना, तो इतने ग्राम हाइड्रोजन है। अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, देखो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इतने ग्राम, इतने परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन मिस्टेक पता क्या होती है, कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया फिर बोलते हैं 100 से माइनस करके हाइड्रोजन का आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ रीजन ये है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन आपको क्या पता, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, कुछ और हुआ तो ऑक्सीजन हुआ तो साथ में, समझ में ही बात, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी तो हो सकता है साथ में सी एच, तो CXHYOZ हुआ तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना, क्लियर होगी बात है। सिर्फ कार्बन और सिर्फ, अगर उसने क्वेश्चन में ए लिखा होता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन है, फिर कर सकते थे 100 से माइनस, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा, ठीक है बात। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69% कार्बन, 4.8% हाइड्रोजन एंड रिमाइंडर ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मासेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितना वेट उसका दिया है 0.2 ग्राम, उसको बर्न करके कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा,
कितना मास वाटर का बनेगा ये पता करना है। कैसे करेंगे देखो, मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आएगा, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या वेट आएगा, वेट ऑफ कार्बन इन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना इंटू 100, कार्बन तो वेट ऑफ कार्बन क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय 100। देखो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय 100 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बात है, तो वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास परसेंटेज कितना है 69 अपॉन 100 इंटू 0.2 है ना भाई, कुछ नहीं खरा। इसका 69% कैसे निकालोगे, टोटल मास कितना है 0.2 ग्राम, सिक्सटी नाइन ग्राम परसेंट कितना होता है 0.2 का, हाँ, सिक्सटी 69 नाइन बाय बाय 100 हंड्रेड इंटू इंटू पॉइंट यही करा है, इतने ग्राम कार्बन है इसमें है ना, और हाइड्रोजन कितने ग्राम है इसमें, फोर टू पॉइंट पॉइंट एट एट परसेंट वॉट इज 4.8% ऑफ 0.2, फोर पॉइंट एट फोर फाइव पॉइंट एट इंटू इंटू पॉइंट 4.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.2, तो इतने ग्राम हाइड्रोजन है, समझ में आई बात। ओके ये तो हाइड्रोजन का मास मैंने यहाँ निकाला नीचे, ये 4.8 अपॉन 100 इंटू 0.2 इतने ग्राम हाइड्रोजन है। तो मेरे को हाइड्रोजन का मास पता चल गया और कार्बन का मास पता चल गया, अब इनको बर्न करने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो देखना। देखो मोल्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे कंपाउंड में, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इतना आ गया था, मोलर मास 12, इतने मोल क्या है कार्बन के हैं, अगर इतने मोल कार्बन के हैं तो ये जो कार्बन है का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इक्वल होंगे ना, समझ आ रही बात है। तो मोल्स ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने मोल कार्बन था उतने ही मोल सीओ टू बनेगा, तो इतने मोल सीओ टू आ गया, इसका मास कैसे आएगा, मास ऑफ सीओ टू प्रोड्यूस कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल इतने थे, मोलर मास सीओ टू का 44 होता है, तो इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, फिर हाइड्रोजन का मास कितना आया था 4.8% ऑफ 0.2, इतने ग्राम आ गया हाइड्रोजन का मास, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इतना, एच का मोलर मास 1 होता तो इतने मोल आ गए, इतने मोल किसके हैं एच के हैं, तो इससे वाटर कितना बनेगा, इससे हाफ, हाफ, नहीं समझ रही बात, अगर ये एच है तो एच टू उसका हाफ ही बनेगा ना। तो मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नहीं समझ में बात है, दो एच मिलके एक एच टू बनेगा ना, तो ये दो थे तो एक ही रह गया ना, फिर हाफ हो गया, तो हाइड्रोजन के कितने मोल थे इतने, तो वाटर के कितने मोल हो जाएंगे आधे उससे, हाफ इंटू इतने, तो इतने मोल वाटर बनेगा, तो वेट कितना होगा वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास 18 होता तो इतने ग्राम वाटर बनेगा, ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है ना,